हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। और 15 अगस्त का ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से आप लोग को। आप देख सकते हैं हमने अपना काम पूरा कर लिया है, इधर खाना वाना बना दिया हूँ। और अपने अब मैं जाऊँगा अपना फ्रेंड के पास, वो भी खाना बनाता है, काम करते हम लोग। तो आज 15 अगस्त है तो हम लोग बाकी घूमने के लिए जाएंगे, थोड़ा किधर भी ज़्यादा कुछ जगह नहीं जाएंगे, थोड़ा इसे ही मैं बहलाने के लिए। 15 अगस्त है, हमारे देश को 75 साल हो चुके हैं आज़ाद हो गए, तो आज 1-1.5 घंटा के लिए हम लोग भी आज़ाद होंगे काम से अपना। तो चलते हैं अपना फ्रेंड के पास, पूछते हैं वो पहले जाएगा या नहीं जाएगा, उसके बाद फिर बात करेंगे, है ना। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं। ओ भाई चलो ना घूमेला, बना यहाँ बना लिए खाना, खाना बना लिया। सच ये देख सकते सोए हुए हैं, ये नहाया नहाया घूमने के लिए। चलो तो चलो ना, हम भी थोड़ा सा भी नहा लेता हूँ, खाना मैं बना दिया था, नहा के चलते हैं उधर। चलो तो हमारा दोस्त भी बोल रहा है जल्द चलेंगे, उधर उधर चल चले। अब जाते हैं, थोड़ा हम भी हाँ लेते हैं पहले। आप वीडियो में बने रहिएगा, लाइव लाइव। ये देख सकते हैं ये मेरा रूम है, रूम आ चुके हम देख सकते हैं, बस ऐसे ही रूम है। यहाँ पर मालिक ने सामान भी रखते हैं और यहीं पे हम सोते हैं, मजबूरी है क्या करेंगे, कोई बात नहीं। अब चलते हैं हम नहाने के लिए। अब पहले हम अपना बैग में देख लेते हैं सामान क्या क्या है, तेल वगैरह ले लेते हैं, है ना। जब नहा लिया दोस्त, और हमारा जो फ्रेंड था बहुत फास्ट नहा लिया, वो बाथरूम में नहा रहा था, वो आवाज़ दे रहा था कि जल्दी चलो जल्दी चलो, तब बस नहा लिए। अब थोड़ा क्रीम व्रीम लगा लेते हैं, है ना, थोड़ा लगा लेते क्रीम, उसके बाद फिर हम चलेंगे, फिर दिखाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे, देख सकते आप इसी रास्ते से जाएंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं ये नाला है, जो कि कचरा सब पानी जाता है, देख सकते हैं पानी है, बहुत गंदा पानी है सब। और इधर भी झंडा फहराए हुए है, और ये देख सकते हैं आप लोग, इधर भी झंडा फहराए हुए हैं। आज 15 अगस्त है, हमारे भारत देश आज़ाद होने से हो चुके हैं, 75 साल हो चुका है, तो इसीलिए हम लोग खुशी का माहौल मनाते हुए, और हम लोग भी जा रहे हैं थोड़ा घूम फिर लेते हैं गांव घर का जैसा एरिया में। देख सकते हैं ये सेम एकदम बिल्कुल लग रहा है दोस्तों, मेरा दोस्त चल रही है तो पूरा 100% लगता है गाँव का ही जैसा है। और भी आगे दिखाएंगे आपको, देख सकते हैं कितना तकलीफ से गाड़ी गुजरे हुई इधर से। ये सामने दिखता होगा आपको, जूम करके दिखा देता आपको, कितना कचरा है देखिए। बेंगलोर में भी ऐसा है बहुत सारी जगह, ये देख सकते हैं। देखिए गाड़ी किस तरह से तकलीफ से गाड़ी गुजर रहे उधर। ये देख सकते हैं कीचड़, ये भाई साहब देखिए पल्सर चला रहे हैं। यूट्यूब चैनल है, हाँ कौन से है, मानपुर वाटिक एंटरटेनमेंट है। ज्यादा चोट लगा क्या? नहीं। देख के जाओ भाई, देख के जाओ, पूरा कीचड़ है इधर। तो दोस्तों वाकई इधर बहुत कचरा है, बच्चा गिर गया था, चोट भी लगा उसको। मेरा दोस्त आगे आगे चल रहा है, रोड के नाले के ऊपर चल रहे हैं, देख लेना भाई फुसफुस ना निकल जाए। ये देख सकते हैं
बहुत ही सुंदर है। मेरा दोस्त काफी आगे निकल गया। छोड़ दिया, जहरीला भी हो सकता है, जंगल में चीज है, कुछ भी हो सकता है। ये देख सकते किस तरह जंगल है, इसी रूट से हम लोग आ रहे हैं। देख सकते ना, खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। इसे अच्छे से जा रहे हैं। ये देख सकते हैं जंगल है, बहुत कचरा यार, बहुत कचरा, इधर ही सब कचरा सब फेंकता है ना। अरे ये तो हम लोग गाँव में खाता है यार, इसको खड़ी बोलते हैं हम लोग, बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। कांटा जो होता है छोटा छोटा, मेरे ख्याल से लगता है इधर अगर सब्जी लगा देगा ना, बहुत सब्जी आ जाएगा। सब्जी तो आएगा ना। इसी की चलो, वो लड़का गिर गया जूता पहन के, और एक बच्चा उधर आगे गिरा था। अरे इधर से जाना होगा ना, देख लेना यार ये कैसा रास्ता है भाई। ये कुछ फैक्ट्री है क्या? ये देख सकते हैं, ये कुछ फैक्ट्री है, बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों, कोरोना की वजह से बंद हो गया। ये फैक्ट्री है बट ये बंद पड़ा है, क्यों बंद पड़ा है पता नहीं। अब ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिखने में, तो हम हरा हरा नजर आता है, लेकिन क्या करेगा। बड़ा आराम से जाऊँ कल, आराम से। और डिलीवरी बॉय है वो अंकल, उसको भी पता नहीं होगा, लोकेशन ट्रेस किया होगा, लोकेशन दिया तो इसी पे चल दिया, उसको भी पता नहीं था कि इसमें कचरा होगा। अब तो घुस चुका है तो जाना ही पड़ेगा उसको आगे। कुछ कंपनी बनाने के लिए सब प्लॉट, ये सब ग्राउंड बनाया है ना। वाकई सुंदर यार, हम पहले तो हम लोग नहीं आए थे, लेकिन आज आए तो बहुत आनंद मिल रहा है। थोड़ा सा अगर धूप कम रहता है ना और अच्छा रहता है, धूप होने के कारण थोड़ा गर्मी ज़्यादा दे रहा है। अब इतना चला है कि हम थक चुके हैं, ये चला नहीं जा रहा है। मैं नहीं थका अभी तक, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि अभी तक मैं नहीं थका हूँ, मैं 10 किलोमीटर और चल सकता है, लेकिन हमारा हालत तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है चल चल के। देख सकते किसका प्रॉपर्टी है पता नहीं, ऐसा क्यों करके रखा है। हेलो दोस्तों, बाकी हम लोग पहुँच चुके अपना घर, अपना रूम पे पहुँच गए, बहुत ज़्यादा ही थक भी गए, जाते हैं थोड़ा आराम कर लेंगे। कोका कोला पिएगा बोलता है। इसे तो आ गए हम लोग वापस। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।